Hello everyone, this is the novel Pride and Prejudice written by Jane Austen and I am going to take you through each and every line of this book and translate it in Hindi so that it becomes easy to understand. So to begin with, this is the first chapter and this is the opening line. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Iska kya matlab hai? Truth universally acknowledged means, इफ इन हिंदी वी से ये सर्वमान्य सत्य है. ऑथर ने ये पहले से ही अज्यूम कर लिया है कि एक आदमी जो कि बहुत वेल्दी है, इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मीन्स जो बहुत ही अमीर है, वेल्दी है, अब उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज का कमी रह गया है और वह है एक अच्छी लाइफ पार्टनर. However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighborhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families that he is considered as the rightful property of someone or other of their daughters. However little known the feelings or views of such a man, what does it mean? It means that हम लोग उस वेल्दी आदमी के पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल व्यू पॉइंट को तो नहीं जानते हैं, तो हम लोगों के उसके पर्सनल व्यू पॉइंट के बारे में, पर्सनल ओपिनियन के बारे में बहुत कम पता है, जो कि अभी अभी इस आस पड़ोस में रहने आए हैं. और ये एक तरीके से इंडिकेट किया जा रहा है मिस्टर बिंगले के बारे में, जो कि अभी एक मेन कैरेक्टर है इस नॉवल के और अभी अभी आए हैं नेबरहुड में. दिस ट्रूथ इज सो वेल फिक्स्ड इन द माइंड्स ऑफ द सराउंडिंग फैमिलीज दैट ही इज कंसिडर्ड एज द राइटफुल प्रॉपर्टी ऑफ समवन और अदर ऑफ देयर डॉटर्स. लेकिन ये सच उनके जो सराउंडिंग जो नेबरहुड है या जो वहां लोग रहते हैं, उनके मन में ये बात इतनी गहराई से बैठा हुआ है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, या बहुत ही उनके मन में ये बिलीफ बैठा हुआ है कि अब वो अगर वेल्दी है तो अब उसे सिर्फ एक ही चाहिए, अच्छी लाइफ पार्टनर, अच्छी वाइफ, ताकि वो एक सेटल्ड लाइफ जी सके, एक मैरिड लाइफ उसका अच्छा हो सके. That he is considered as the rightful property of someone or other of their daughters. कि अब वो लोग क्लेम करेंगे कि ये जो है वो उसके सन इन लॉ बनने के लायक हैं, क्योंकि इन लोगों का उस समय सिर्फ एक ही मोटिव था कि अगर वेल्दी है तो अपनी डॉटर का वेल्दी से वेल्दी फैमिली में ये मैरिज करा सकें और एक सेटल्ड लाइफ दे सकें. Rightful property means one upon whom one or the other of their daughters has got a just claim. इन लोगों की नजर में अपनी बेटी का उनसे मैरिज करा देना है और एक सेटल लाइफ देना है. नाउ कम्स द डायलॉग. फर्स्ट डायलॉग इज, माय डियर मिस्टर बेनेट, सेड हिज लेडी टू हिम वन डे. देयर इज मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट, इनकी फैमिली है, इनकी 5 डॉटर्स हैं जिनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे. तो इनका ओपनिंग लाइन इस तरह स्टार्ट होता है. ये जो लेडी बेनेट है, जो मिस्टर बेनेट की वाइफ है, वो बोलती है, मेरे प्यारे मिस्टर बेनेट, इन अ She is addressing in a loving way to her husband. Have you heard that Netherfield Park is let at last? क्या आप सुने हैं कि Netherfield Park को finally rent पे लगा दिया गया है? Mr. Bennett replied that he had not. Mr. Bennett reply किए कि उन्होंने तो नहीं सुना है इसके बारे में. इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि Mrs. Bennett को gossip करने में और इधर उधर का खबर जानने में बहुत ही interest है, और ये बहुत ही एक तरीके से शैलो टाइप की वुमेन है जिसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि अपनी डॉटर को वेल्दी से वेल्दी फैमिली में सेटल कर दें. बट इट इज रिटर्न शी, लेकिन वो नेदरफील्ड पार्क अब फाइनली रेंट पे लग चुका है. फिर से वो बोली, फॉर मिसेस लॉन्ग हैज जस्ट बीन हियर एंड शी टोल्ड मी ऑल अबाउट इट. अब यानी कि मिसेस बेनेट और मिसेस लॉन्ग जो है, ये दो कैरेक्टर जो है, ये दोनों टॉकिंग टर्म्स में है, अच्छे फैमिली फ्रेंड्स लग रहे हैं और इन लोगों का गॉसिप चल रहा है जैसे वुमेन का किटी पार्टीज में चलता है. तो इस तरीके से ये लोगों का बातचीत हुआ होगा पहले ही, जिससे पता चला होगा कि नेदरफील्ड पार्क को फाइनली किसी ने रेंट पे ले लिया है या खरीद लिया है. मिसेस लॉन्ग अभी अभी यहां आई थी और उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया. दैट इज व्हाट मिसेस बेनेट इज सेइंग. मिस्टर बेनेट मेड नो आंसर. अब मिस्टर बेनेट बहुत ही पैसिवली और बहुत ही रिलैक्स्ड वे में, चिल्ड आउट वे में यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोग को. वो ज्यादा ही एक्सट्रीमली या तो एक्साइटेड नहीं दिख रहे हैं, ना ही बहुत ही एक कोल्ड शोल्डर एक तरीके से मिसेस बेनेट को दे रहे हैं. डू नॉट यू वॉन्ट टू नो हु हैज टेकन इट, क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली. अब एक और हम लोग को
उनकी वाइफ के लिए एडजेक्टिव मिला इम्पेशेंटली, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा इमेच्योर बिहेव करती है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाती है और बहुत ही जल्दी उनको पैनिक अटैक्स भी आने लगता है। उनका हर हमेशा ये एक्सक्यूज रहता है कि प्लीज मुझे तंग मत करो। डू नॉट यू वॉन्ट टू नो हु हैज टेकन इट, क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि उसे किसने लिया है? यू वॉन्ट टू टेल मी एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हियरिंग इट। अब मिस्टर बेनेट, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो कहते हैं अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बता दो कि क्या बात है, क्या तुमने सुना है। दिस वॉज इन्विटेशन इनफ। मिस्टर बेनेट का इतना कहना काफी था मिसेज बेनेट को सारा बात बताने में। अब यहां से यहां तक ये मिसेज बेनेट का ही डायलॉग है और मिसेज बेनेट ही नरेट कर रही है कि उन्होंने क्या क्या सुना। Why, my dear, you must know, Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young woman of large, young man of large fortune from the north of England, that he came down on Monday in a chaise and four to see the place, and was so much delighted with it that he agreed with Mr. Morris immediately that he is to take possession before Michaelmas, and some of his servants are to be in the house by the end of next week. ये पूरा इसका क्या मतलब है मैं आपको लाइन बाय लाइन बताती हूँ। आपको जानना चाहिए कि मिसेज लॉन्ग बोल रही थी कि नदरफील्ड पार्क को फाइनली एक बहुत ही यंग, बहुत ही कम एज के आदमी ने बहुत ही ज्यादा पैसा देके खरीद लिया है, जो कि नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से आए हैं, एंड ही केम डाउन, वो मंडे को आए हैं, इन अ चेज एंड फोर, मीन्स उस समय तो घोड़ा गाड़ी चलता था ना, इन अ कैरियज ड्रॉन बाय फोर हॉर्सेस। उस समय ना कार था ना ही अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था एडवांस्ड वे में, तो वो एक आए थे एक कैरियज से, एक घोड़ा गाड़ी से, और वो उस जगह को देखे और वो इतने ज्यादा खुश हुए, डिलाइटेड मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, वो इतने ज्यादा खुश हुए कि वो अग्री कर गए मिस्टर मॉरिस से, एंड मिस्टर मॉरिस सीम्स टू बी द लैंडलॉर्ड ऑफ दैट प्लेस। इमीडिएटली वो मिस्टर मॉरिस से तुरंत एग्री कर गए, उनका जो भी एग्रीमेंट साइन करना था अग्री कर गए, दैट ही इज टू टेक पोजेशन बिफोर माइकलमास। अब माइकलमास क्या है, जैसे आप लोग क्रिसमस सुने हैं, हम लोग क्रिसमस जानते हैं, इट इज अ वेरी मेजर फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस, उसी तरह माइकलमास इज द फीस्ट ऑफ द आर्क एंजल माइकल, विच इज ऑन 29th ऑफ सेप्टेम्बर। एक तरीके से समझिए क्रिश्चियंस का बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, और क्योंकि वो बहुत ही रिच आदमी है तो वो उनके साथ सर्वेंट्स आएंगे ही, उनके डोमेस्टिक हेल्प और केयर टेकर्स सब आएंगे ही, एंड सम ऑफ हिज सर्वेंट्स आर टू बी इन द हाउस बाय द नेक्स्ट ऑफ वीक, और उनके उनके ख्याल रखने के लिए नेक्स्ट वीक तक मिस्टर बिंगले, जो कि है यही यंग मैन जिनको इंडिकेट किया गया है, वो अगले वीक तक आ जाएंगे, नेक्स्ट वीक तक। व्हाट इज हिज नेम? अब यहाँ पे मिस्टर बेनेट फाइनली पूछते हैं कि उनका नाम क्या है, बिंगले। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर बेनेट का, इज ही मैरिड और सिंगल? ओ सिंगल माय डियर, टू बी श्योर, अ सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून, 4,000 or 5,000 a year, व्हाट अ फाइन थिंग फॉर आर गर्ल्स। तो वो ये जब पूछते हैं मिस्टर बेनेट कि वो मैरिड है या सिंगल है, तो वो बोलती है सिंगल और श्योर सिंगल है, और वो बहुत ही डिलाइटेड है, बहुत ही खुश है जान के कि वो सिंगल है। अब क्योंकि उसको यहाँ पे एक तरीके से अपना एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मिसेस बेनेट अपॉर्चुनिस्ट भी है, वो देख रही है कि सिंगल है, उनका 4,000 or 5,000 आई गेस पाउंड्स अ ईयर है, इतना 4,000 or 5,000 डॉलर और वॉट एवर वॉज द करेंसी ड्यूरिंग दैट टाइम, वो 4,000 to 5,000 rupees पर हर साल कमाते हैं, उनका एनुअल इनकम है, कितना अच्छा है हम लोग की गर्ल्स के लिए। हम लोग की गर्ल्स अगर इतनी वेल्दी फैमिली में जाएगी तो कितने अच्छे से सेटल होगी। सो दिस वॉज द फर्स्ट पेज ऑफ इट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट पेज। थैंक यू।